सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एक और नया एपिसोड। पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा भाई निकल चुका है एकदम खतरनाक वाली जर्नी पे, और यहाँ पे हमको भाई खतरनाक एंड ओपी वाले पोकेमॉन्स मिल रहे हैं। एंड ऊपर से हमारी जो बाइक थी ना भाई, वो तो कतई ज्यादा ओपी हो चुके हैं भाई। तो यहाँ पे जो ना ये पानी वाला जो भाई रास्ता है भाई, ये खतरनाक सा आइस बग से भरा हुआ रास्ता है ना भाई, ये क्रॉस करके आई थिंक मेरे को किसी एक आइलैंड पे पहुंचना है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको अगर भाई यहाँ पे देख रहे हो, ये स्ट्रेट जाने के लिए मेरे को बोल रहा है, मतलब मेरे को इस डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे जाना है। तो ये जर्नी जो है ना अपन कंप्लीट करने वाले, शुरू करने वाले, ओके। तो यहाँ पे गाइस ये जर्नी जो है ना शुरू करने से पहले गाइस, अभी तक गाइस 35% ऐसे बंदे जो डेली मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस ऐसा करते हो, क्यों करते हो यार, दिल से बुरा लगता है यार, भाई समझिए बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसा ना ही करो भाई। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर देना गाइस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके चैनल पे अपनी पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में से पोकेमॉन स्वॉर्ड वाली भाई सीरीज चालू है। तो अगर आपको वो देखना है भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब ठोकने के बाद वो सीरीज देखना, ठीक है। तो गाइस चले गाइस, बिना किसी तरीके आज का जो एपिसोड है ना यहाँ पे करते हैं शुरू। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले आपने जो भाई सारे पोकेमॉन्स है भाई, वो मेरे को यहाँ पे एक फूल हील ने भाई रिवाइव मेरे पास चार है ना, मैं सिंड्रेस को रिवाइव कर लूँ क्या। वैसे जेली सेंट जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जो है ना भाई नॉर्मल पोशन है 21 है ना भाई, इसको खिला दे भाई, ओके। मैं इसको जो है ना थोड़ा सा लेवल अप कर लेता हूँ, क्योंकि सिंड्रेस तो अपनी गति ज़्यादा ओपी है, लेकिन मेरे को ये जेली सेंट जो पोकेमॉन है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो भाई अपन इसको थोड़ा सा यूज करेंगे सिंड्रेस, सॉरी यार बुरा नहीं मानने का। ओ एक मिनट रुक जाओ, मैंने यहाँ पे खतरनाक वाला पोकेमॉन देखा था पिछले एपिसोड में, कहाँ पे चला गया वो, गेम रिस्टार्ट करने के बाद गायब हो गया क्या। यहाँ पे ऑक्टोपस टाइप कुछ पोकेमॉन्स आए हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए, ओके। पीस ऑफ नेवर मेल्ट आइस, ओके दैट स्ट्रेंज। यहाँ पे मैंने एक अच्छा वाला एक ओपी वाला पोकेमॉन देखा था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए अपनी जो जर्नी है भाई आगे की तरफ वो मैं शुरू कर देता हूँ, ओके संभल के। अबे यार ये ऑक्टोपस है ना भाई, ये क्या भाई, इसे पंगे लेने हैं, ठीक है भाई इसे पंगे ले लेता हूँ, थोड़ा सा भाई पैसा मिल जाएगा भाई। आ जा कच्चा तार इंसान, आ जा दिखा तेरे पास कौन सा पोकेमॉन है भाई, तेरी मौत भाई जेकब, भाई जेकब क्या भाई, बास ले रहा है क्या, कहाँ पे डाली थी वो बॉल जो है वो, भाई सच्ची बताना भाई कहाँ पे डाली थी मेरे को भाई, तेरे ऊपर थोड़ा सा भाई डाउट आ रहा है भाई, ऐसे तू स्मेल कर रहा था ना मेरे को, थोड़ा सा गलत चीज़ लग रही है भाई कोई ना कोई, ठीक है भाई अटैक ले ले भाई, इसका मुँह देख रहा हूँ भाई, खड़ूस साला भाई, इसके आँख रुक जाओ, वॉट। अच्छा मेरे पोकेमॉन ने अवॉइड करा, मैं बोला भाई मेरे पोकेमॉन का अटैक उसने अवॉइड करा, ऐसा लगा मेरे को। अरे यार बर्फ की तो भाई इसकी आँखें मारू भाई, बर्फ तो भाई बहुत खतरनाक मार रहे भाई, ये मार हाइड्रो पंप, बाय बाय ब्रो, सुपरसोनिक ओके भाई। हाँ जी इससे क्या होता है जी, अच्छा इससे, अबे यार कन्फ्यूज़ हो गया भाई, मेरा पोकेमॉन यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया, बस अटैक कर ले, पता चला भाई कन्फ्यूज़ होने के कारण अटैक नहीं कर पाया, ओके बाय बाय, दुआ में याद रखना ब्रदर, ठीक है बाद में मिलेंगे वापस से, ख़त्म भाई। तुम्हारे भाई के पोकेमॉन के जैसा कोई हार्ड इच नहीं है भाई, ठीक है लेट्स गो, निकाल भाई दूसरा पोकेमॉन है तेरे पास, होगा तो निकाल ले भाई बड़े आराम से भाई, क्योंकि आज अरे जेकब, अरे जेकब की फट गई भाई, ये कैसे हो गया, असंभव भाई, अद्भुत भाई, थोड़ा सा फट गया भाई इसकी, फट गई ये बोला भाई, ये तो नामुमकिन है भाई, नामुमकिन चीज़ कैसे मुमकिन हो गई। ओ यहाँ पे भी कुछ चीज़ है, मैं भाई यहाँ का एक्सप्लोर करके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई अब एक पोकी बॉल है उसके कारण भाई, ओके ठीक है, ये पोकी बॉल को यहाँ पे भाई प्रोटेक्टर, ऑल राइट वहाँ पे भी ऑपोजिट में कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली गाइस अपनी, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर टाइप जो पोकेमॉन्स है ना वो कैच कर सकता हूँ गाइस, ठीक है काफ़ी ज़्यादा भाई मौका है मेरे पास यहाँ पे पोकेमॉन्स को कैच करने का। यहाँ पे बीच पे आ गया मैं, वो बीच पे आ गया, अरे मैं कहीं पे तो आ गया गाइस, मैं कहीं पे तो आ गया, मेरे हिसाब से मैं कहीं पे आ गया भाई, मैक्स इलिक्सर मिल गया मेरे को। वो कितना बड़ा बीच है, ओ मैं कहीं तो आया, और रुक जाओ यहाँ पे एक आंटी जी करी है, आंटी जी ने भाई एकदम सेक्सी सी हॉट सी लड़की खड़ी है, देख रहे हो भाई ये क्या, इसे झुक के काहे खड़ी हो मैडम जी, ऐसे नहीं करना का बाबा, ठीक है बिग पल मिला मेरे को, ओके ठीक है मैम, क्या आप जो है हमसे फाइट लोगे भाई, लेंगे ओके, ये कौन है भाई, हेलो मैम कैसी हो, ओके इसका नाम क्या है, ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत है, लायला जी कैसी हो, टॉक्सिफेक्स, ये क्या है भाई, एक शेल के अंदर छुटकू सा पोकेमॉन है, देख रहे हो वो शेल के अंदर एक छुटकू सा पोकेमॉन है भाई, हाइड्रो पंप ले ले भाई,
ओके हाइड्रो पंप ले ले, पहली फुर्सत में तेरी पेटी बन जाएगी भाई। ये अटैक मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया भाई, हाइड्रो पंप। हाइड्रो पंप इज नॉट दैट इफेक्टिव। व्हाट, हाउ, इट्स इम्पॉसिबल। हाइड्रो पंप बाय अटैक से बच गया। ओके शैडो बॉल दे, शैडो बॉल वाला अटैक दे क्या पे। ओके ये बंकर वाला कुछ तो कर दिया इसने, पता नहीं इसे क्या होगा लेकिन इसने कुछ तो करा यहाँ पे। शैडो बॉल दे दे यहाँ पे इसको। ओके शील्ड थी क्या कुछ, वो प्रोटेक्ट करा इसने खुद को। अच्छा मतलब मैं यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता अभी इसको। ओके आई थिंक मेरा अटैक, हाँ यस मेरा अटैक भाई शैडो बॉल का जो है ना वो फेल हो गया भाई। ओके बट इट फेल्ड, ऑल राइट शैडो बॉल डाल दे भाई, बाय बाय ग्रेट टाइम पार्ट से हेडशॉट। बड़े आराम से बेकाई शैडो बॉल काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है भाई। ओके 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 जो हाइड्रो वाला जो अटैक था ना भाई, हाइड्रो पंप, वो यहाँ पे वर्क नहीं करा भाई। शैडो बॉल काफ़ी अच्छी तरीके से भाई वर्क कर रहा है, ठीक है बाय बाय। ओके वापस से वो प्रोटेक्ट वाला कर लिया यार, ये शैडो बॉल मेरे खत्म करके रहेगा भाई। यार थोड़ा सा रेम करे भाई मेरे को आगे, भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी अभी तक कंप्लीट करनी है और मेरे को पता नहीं मेरे को पोकी बॉल सेंटर कहाँ पे मिलेगा भाई बीच में। तो भाई थोड़ा सा भाई रेम कर यार, भाई मार खा ले यार थोड़ा सा। ओके चलो अभी शैडो बॉल ले ले भाई, ये बंकर ही बार बार यूज़ कर रहा है भाई। लेकिन भाई दोनों में से सिर्फ एक बार ही ये बंकर यूज़ कर सकता है, एक बार फेल हो जाता है इसका बंकर, बाय बाय। ठीक है भाई ये काफ़ी अच्छा पोकी बॉल लगा मेरे को। ओके भाई इसको काफ़ी तगड़ी फाइट दी भाई इसने, 1000 भाई एक्सपी काफ़ी बढ़िया, लेट्स गो। ओके लायला, ओ लायला गुस्सा हो गई लायला जी। ओके चलो आप कॉफ़ी भी चलोगे मेरे साथ, अच्छा नहीं गुस्सा हो गए भाई लायला जी, गुस्सा हो गए, ठीक है चलो भाई लोग अपन आगे चलते हैं। गेम यहाँ पे सेव कर लेता, पता चला भाई क्रैश हो गया, इतनी मेहनत भाई पानी में, भाई सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा फिर, इतनी मेहनत भाई पानी में चली गई तो भाई लग जाएंगे, ठीक है लेट्स गो। यहाँ पे मैं वाटर टाइप पोकेमॉन जो है ना वो कैच करने के लिए बाद में आऊँगा। ओह किसी विलेज में आ चुका, ओह यहाँ पे वो पोकेमॉन मेरे को दिखाई दे रहा है भाई जिससे मैंने अभी जस्ट फाइट ली थी। ऑलराइट ये क्या चीज़ है, मैं आया कहाँ पे हूँ, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है भाई। ओके क्या हो गया, आई कांट इंटर। ओके स्पीक मूथ, ये क्या है भाई, अपन वहां पे जा नहीं सकते क्या। नो वन कैन चैलेंज द डार्क टाइप लीड, अरे आ तू भाई, मैं चैलेंज करेगा भाई, मैं चैलेंज करेगा भाई, मैं चैलेंज करेगा, नो वन कैन चैलेंज। हे राहुल, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस। ओके ये बोल रहे कि अपन अंदर जा नहीं सकते गाइस, यहाँ पे वो बोल रहे कि नो वन कैन चैलेंज। मैं हूँ कहाँ पे एक्चुअली, मैं हूँ कहाँ पे भाई, मैं यहीं पे हूँ। नो वन कैन चैलेंज क्यों भाई, भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है भाई। ये भाई ऑक्टोपस छोटू सा भाई डॉट वाला भाई, ऑरेंज ऑरेंज डॉट वाला हो गए, ठीक है। ए हे राहुल बोल के गायब कहाँ पे हो गई, ये स्कैम कर रही है क्या मेरे साथ। ओके मेरे को उसके पास जाना है, मैं यहाँ पे भाई फाइट जो है ना वो अवॉइड करते करते जा रहा हूँ। ऑल राइट चलो भाई लोग, ओके ओके ठीक है। ऑल राइट यहाँ से शॉर्टकट है क्या कोई। ओके मैम हेलो, आई वॉज बोर्न हियर। अच्छा मतलब ये बोल रहे कि मैं यहाँ पे भाई पली बड़ी हूँ, यहाँ पे मैं पैदा हुई थी, तो मेरे को पता है भाई कि यहाँ पे अंदर जाने का दूसरा रास्ता कहाँ पे है। अबे यार लेकिन आई थिंक मेरे को यहाँ पे इनके साथ बैटल लेनी पड़ेगी। ओके आई थिंक भाई, ओके 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 इससे मेरे को बैटल लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको पता है अंदर जाने का रास्ता कहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे भाई मेरे को हरा तभी तेरे को मानूंगी और तभी तेरे को रास्ता दिखाऊंगी। वैसे मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है अंदर जाने का। ओके ओह लेपर्ड, ओके ऑल राइट ओके अच्छा बाय 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 बाय, मेरे को हराओगी तुम, मेरे को हराओगी, ठीक है भाई। ये लो भाई हाइड्रो पंप डाल रहे इसके ऊपर, इसको दिखा भाई। ओके ओ पंच, ओके 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 सॉरी सॉरी, मैंने भाई उसको थोड़ा सा हल्के में ले लिया, उसने क्या मारा भाई। हाइड्रो पंप दे दे भाई, दे दे बाय बाय ग्रेट टाइम छोटी मोटी सी भाई किटन, दुआ में याद रखूंगा मैं तुमको। अबे फिर भी बच गई यार, रिकवर डाल रिकवर डाल डाल रिकवर, उसने पोषण खिला दिया भाई। तुम तो चीटिंग कर रहे हो मिस, हाँ लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई माफ़ी माफ़ी दे दी मैंने तुमको, क्योंकि मैंने भी भाई यहाँ पे रिकवर कर लिया है, ठीक है। मेरी एचपी कितनी रिकवर हुई, आई शाबाश लेट्स गो। ओके डाल दे भाई डाल दे, हाइड्रो पंप डाल डाल एक और बार, ठीक है। ये क्या था अटैक, अरे अरे भाई 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 मेरे को चिढ़ा रही है भाई ये। ओके ऑल राइट हाइड्रो पंप ले भाई, अवॉइड दैट अटैक। ओ मेरे मेरे सारे के सारे अटैक्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं भाई। ये क्या है, दे जिगल भाई, ये जोनाथन की फैन है क्या, ये जिगल का है दे रही है भाई।
ओके okay, इसके अंदर एक मतलब इसके भाई दिमाग में भाई ये फूटा भाई, मतलब ये आइडिया जग गया भाई, सेंटर फूट दिमाग की बत्ती जला दे, तो ऐसे जिगल देने लगी। वो बोल रहे भाई मैं जिगल दूंगी तो बच जाऊंगी भाई, आप तू भाई नहीं बच पाएगी तू। ओके अच्छा मैं शैडो बॉल रो में यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है रिकवर तो रो में यूज कर सकता ना भाई। सकर पंच ओके भाई ठीक है, बट इट फेल्ड ओके नाइस, मैं रिकवर कर लेता हूँ ना तब तक, मेरे को मेरी हीलिंग पोशन यूज करने की जरूरत ही नहीं गाइस यहाँ पे, मैं भाई ऐसे रिकवर कर करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऑल राइट हियर वी गो, ये वाला डाल दे। ओ नास्टी प्लॉट, ओके भाई ले भाई वापस से जिगल देने लगी है भाई। ओके इसके पास एक ही अटैक है वो बुक्का मारने वाला, और कोई मेरे को भाई खास अटैक लग नहीं रहा इसके पास। ओ भाई एक वाटर ड्रॉप सर पे गिरा है भाई किटी भाई, खत्म। वैसे बिल्लियों को पानी से काफी ज्यादा डर लगता है इसलिए भाई खत्म हो गया भाई वो, ठीक है लेट्स गो। 1000 एक्सपी मेरा 44 लेवल का होने वाला है भाई अभी ये। ओके भाई मैं किप करंट पोकेमॉन भाई, एक ही पोकेमॉन रखूंगा भाई, ठीक है मेरा सेकंड फेवरेट पोकेमॉन है अभी ये, फर्स्ट वाला। अबे भाई अरे भाई इसे तो चड्डी संभाली नहीं जा रही, और आ गए भाई फाइट लेने। बेटा बेटा जा भाई। अच्छा मैं रो में यूज नहीं कर सकता कोई भी अटैक, ऐसा सीन क्यों है भाई? इसके कोई भी अटैक मैं रो में यूज नहीं कर सकता, मेरे को चेंज करते करते यूज करने भाई। शैडो बॉल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है भाई। ऑल राइट स्केरी फेस, ओके स्केरी फेस से तो अपन डरेगा नहीं भाई। ऑल राइट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन 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 ओके ठीक है। यहाँ पे एक और डाल दे भाई, आई थिंक ये वाला अटैक इसके ऊपर वर्क करेगा, क्रंच अटैक ओके। शिट सुपर इफेक्टिव भाई साहब। एक काम कर पोकेमॉन चेंज कर, पोकेमॉन चेंज कर। वो वाला कौन सा है पोकेमॉन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो कौन से टाइप का पोकेमॉन है यहाँ पे? कॉर्वनाइट ले लेता हूँ, स्टील टाइप पोकेमॉन है। ओके मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि ओपोनेंट वाला जो पोकेमॉन है ना वो कौन से टाइप है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे टेंशन आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सीन क्या है करके, ठीक है। ऑल राइट हियर वी गो, मेरे हिसाब से अब भी थोड़ा सा ठीक होगा क्रंच वाला अटैक। ओके ठीक है सही है भाई, क्रंच वाला अटैक का भाई उतना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रेव बर्ड डाल दे भाई, ब्रेव बर्ड डाल डाल ब्रेव बर्ड। बाय बाय ग्रेट टाइम ब्रो, ले भाई पार्ट जा। ओ शिट ब्रेव, व्हाट इतना ओपी अटैक है ब्रेव बर्ड वाला, मैंने ब्रेव बर्ड कभी यूज नहीं करा था क्या पहले भाई? क्या खतरनाक है अटैक भाई ब्रेव बर्ड का, मजा आ गया भाई। 44 लेवल के भाई जेली सेंट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके ऑल राइट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एकदम कतई ज्यादा ओपी भाई, कतई ज्यादा ओपी, ठीक है हियर वी गो लेट्स गो। काफी बढ़िया भाई, एक और पोकेमॉन है इसके पास, स्किप करंट पोकेमॉन भाई, इसके पास काफी खतरनाक वाले पोकेमॉन है भाई। ओ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ओके ठीक है, ब्रेव बर्ड डाल डाल ब्रेव बर्ड। बाय बाय ग्रेट टाइम, ये क्या करेगी? ओके इसके पास कोई तो मूव है। ओके यूज स्पार्क, पैरालाइज करेगी नहीं? ओके सुपर इफेक्टिव, काफी बढ़िया ब्रेव बर्ड डाल भाई, ब्रेव बर्ड मेरे हिसाब से काफी तगड़ा लगेगा इसको। पार्ट से हेडशॉट नाइस भाई, एक और ब्रेव बर्ड दे देता हूँ तो व्हाट? ओके अबे यार ये गुस्सेल हो गया भाई, ठीक है भाई एक काम कर यहाँ पे जो है ना फाइट में जाके ब्रेव बर्ड एक और डाल देता हूँ तो इसकी पेटी बन जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये स्पार्क यूज करेगा ना तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। मेरा कॉर्वेनाइट चला गया, मेरे को पोकेमॉन चेंज करना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को यहाँ पे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है मेरे पास कोई? ओके ये वापस से भाई खुश हो गया, ठीक है रुक जाओ। ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, ग्राउंड 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 रॉक टाइप है, ग्राउंड टाइप रुक जाओ, ये रॉक टाइप है ना भाई, देख लेता हूँ भाई रॉक टाइप यहाँ पे वर्क कर पाता है कि नहीं। ओके हियर वी गो फाइट में चलो, एंड जॉलॉक ओके हेड बटी इफेक्टिव है, बाकी के कोई भी अटैक इसके ऊपर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है भाई। स्पार्क भाई काफ़ी तगड़ा मार रहा है भाई ये, वन ड्यूड हेड बर्ड देते इसको, पार्ट से हेड शॉट काफ़ी बढ़िया भाई नाइस। ओके भाई ये गुस्सेल हो गया भाई, ये अभी वापस एक और बार स्पार्क मारेगा यहाँ पे। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, आई थिंक उसका आखिरी पोकेमॉन है भाई साहब, चिढ़ा रहा है भाई टोंट मार रहा है भाई, ठीक है रुक जाओ हेड बर्ड दे। आई थिंक इसके पास एक और पोकेमॉन है क्या, ये आखिरी वाला था? मैं ठीक से देख नहीं पाया, शायद ये आखिरी वाला है मे बी, वेट अ मिनट देख लेता हूँ। जेली सेट तो काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे भाई लेवल अप हो रही है भाई। अबे यार इसके पास एक भाई कितने पोकेमॉन लेके आई हो भाई, मजाक कर रहे हो भाई? इतने पोकेमॉन तो भाई जिम बैटल में भी नहीं होते, ये कौन है? ये मेरे को ग्रामचॉप तो नहीं, ग्रामचॉप क्यों वैसे कुछ लाइक इसका ये है भाई, लेकिन ग्रामचॉप तो नहीं है भाई, सारे कलर कॉम्बिनेशन उसकी तरह ही लग रहे हैं भाई। पॉइजन टाइप अटैक नहीं भाई, चिढ़ा रहा है मेरे को। ठीक है बेटा रुक जा, बेटा तेरी मौत आई है, रुक तेरी। अबे यार मेरे को इसने कन्फ्यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज करता है भाई, रुक जा आप भी तेरे को बताता भाई। ये भाई खतरनाक लड़ाई दे रही भाई, खतरनाक टफ फाइट दे रही है भाई मेरे को, काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आ रहा है भाई इस फाइट में।
मैं अलग अलग पोकेमोन से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो अलग बात है, हमेशा भाई अलग कांट भाई। हेलो, मैं एक ही मूव बार बार यूज नहीं कर सकता, शायद इसने कुछ रूल रखा है क्या। सकरपंच, ओके ठीक है, सकरपंच उतना ज़्यादा वर्क नहीं करा, लेकिन स्टिल मैं कन्फ्यूज हूँ यहाँ पे। ऑल राइट हेडबर्ड, डाल हेडबर्ड, काफ़ी बढ़िया भाई, नाइस, लेट्स गो। ये तो आखिरी वाला होगा, पक्का आखिरी वाला। अभी ये मत बोलना एक और पोकेमोन है उसके पास, फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा भाई। ठीक है, एक और पोकेमोन तो नहीं है ना। अरे भाई साहब, आखिरकार भाई 400 सालों के बाद मैंने इसको हरा ही दिया गाइज। ओके भाई, 5000 रुपया दिया भाई। अरे बाप रे, अपसेट हो गए यार वो। हेलो मिस, ऐसे अपसेट नहीं होने का भाई, ओके इतना अपसेट नहीं होने का, ठीक है भाई। ऑल राइट, ओके ये क्या बोलते भाई, देख लेते रुको। अच्छा, ये मेरे को रास्ता बता देगी गाइज, ओके ऑल राइट। ये इसने मेरे को रास्ता बता दिया है अंदर जाने का शायद, ओके ठीक है, यहाँ से मेरे को अंदर जाना है। काफ़ी बढ़िया गाइज, काफ़ी बढ़िया। तो अंदर जाने का भाई रास्ता अपन को आखिरकार मिल चुका है गाइज। ओके चलो गाइज, फिर हमको भाई अंदर जाने का यहाँ पर रास्ता मिल ही गया, तो अपन घुस जाते हैं डायरेक्टली भाई। आई थिंक वो जो कैसल है ना भाई, वो है ये भाई साहब। सिटी देख रहे हो, अंडरग्राउंड सिटी लग रही है भाई डायरेक्टली। ओके ऑलराइट, यहाँ पे हमारी डार्क टाइप जो बैटल होगी ना वो होगी, लाइक ये भाई पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का भाई अंडरग्राउंड है गाइज। ठीक है, ये पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का अंडरग्राउंड बोल सकते हैं अपन। ओके एंड यहाँ पे भाई खतरनाक खतरनाक बैटल हो जाएगी भाई। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे मेरे सारे पोकेमोन जो है ना भाई ये रिवाइव कर लेता हूँ। एंड गाइज मेरे को बताना, डार्क टाइप जो अभी बैटल है ना भाई, उन डार्क टाइप पोकेमोन्स को हराने के लिए मेरे को यहाँ पे कौन सा पोकेमोन यूज करना चाहिए ना, मेरे को गाइज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइज यहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ, एक और काम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इनके शॉप में कुछ अलग सी चीज़ है क्या, एक बार देख लेता हूँ। अल्ट्रा बॉल है, ओके मेरे को सुपर पोशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे सुपर पोशन जो है ना भाई यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, रुको भाई, इसी के लिए तो अपन पैसे जमा करते रहते हैं भाई। मेरे सुपर पोशन काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, मैं 25 ले लेता भाई। 20,000 तो ये पे उड़ गए भाई, समझ गया गाइस। मैं यहाँ पे बैटल्स क्यों देते रहता हूँ भाई, रिवाइव रिवाइव मेरे भाई रिवाइव भी खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 10 रिवाइव ले लेता हूँ, यहाँ पे 20,000 ये रिवाइव में चले गए भाई। ऑल राइट चलो भाई, यहाँ पे भाई 40,000 ऐसे खड़े खड़े एक सेकंड के अंदर चलेगा भाई। ठीक है, मेरे पास वैसे भाई बॉल्स तो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो मैं बॉल्स यहाँ पे नहीं ले रहा। एंड यहाँ पे बैटल कहाँ पे होगी, बैटल आई थिंक, ओ भाई साहब, ओके ये क्या बोल रही है यहाँ पे, ओके विद द शटर क्लोज नोबडी गोना बी एबल टू चैलेंज द जिम। तो फिर ओके, तो मेरे को ये शटर चालू करना पड़ेगा। ओके रुक जाओ, ये बातें चाहते क्या चल रही है इनकी भाई, देखने तो मेरे को। 5 minutes later. Okay, तो यहाँ पे जो है ना गाइज, इसने मेरे को कुछ चीज़ें दी है। ठीक है, एंड बेटर चेंज इनटू, अबे यार मेरे को अभी बैटल नहीं लेनी है, अभी मेरे को बैटल नहीं लेनी है अभी। यस, मेरे को अभी थोड़ी बैटल लेनी है, पता चला मेरे पास कोई भाई पोकेमोन है ही नहीं भाई उनसे पंगे लेने के लिए। भाई ये बोल रहे जाके भाई बैटल ले लो, मैं बावड़ा हूँ क्या भाई, वहाँ पे जाके बैटल ले लूँगा मैं अभी उनसे भाई। मेरे को पेलम पाल दे देंगे, यहाँ पे कुछ तो चमक रहा है भाई, देखने तो क्या है। ओके ओके, गार्ड स्पेक्स मिल गया, ओके ठीक है चलो भाई, पता नहीं ये क्या काम करता। अबे यार पोकेमोन से टकरा गया भाई, अबे ये तो वही भाई छोटी मोटी सी मेरी सी क्यूट क्यूट सी भाई कैट है। रुक जाओ, इस क्यूट से कैट को जो ना एक भाई पट से हेडशॉट मार देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको भाई एकदम मतलब कि पेलम पाल दे देंगे अपन। ठीक है, 41 लेवल की है भाई ये बिल्ली। भाई इस बिल्ली ने क्या मारा है भाई पंच, डायरेक्टली सीधा मुँह के ऊपर भाई। ठीक है, ये ले भाई, ओह अवॉइड कर लिया अटैक भाई ब्रो। भाई ले भाई, मेरा बॉल वाला आइडिया गाइस। ठीक है, ले भाई, इसको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा शायद मैं। ओ दे भाई, एक फटके में मार दिया, खतरनाक भाई। भाई सिंड्राइज कतई ही ज़्यादा ओपी गाइस। ठीक है, तो गाइस एक काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे को गाइस नीचे कमेंट करके बता देना आगे का जो जिम चैलेंज है ना भाई, उसमें मेरे को कौन से पोकेमोन यहाँ पे लेके जाने चाहिए। एंड गाइस आज का जो एपिसोड है ना हमारा पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगले एपिसोड में आपके कमेंट पढ़ के मैं देख लूंगा कि भाई मेरे को कौन कौन से पोकेमोन यहाँ पे लेके जाने चाहिए। एंड वो अगले एपिसोड में शायद अपन वो जिम चैलेंज कर लेंगे, या फिर ये जो सिटी है ना इस तरफ सिटी भाई एक्सप्लोर करने का काम अपन अगले एपिसोड में कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस आज का जो एपिसोड है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, इसमें बस इतना ही। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आने के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a